नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ग्लेज लव कपल ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों अभी है सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं और मुँह हाथ धुल के अच्छे से फ्रेश व्रेश हो के हमें कुछ काम करने जाना है खेत पे। तो वो हम आपको बता रहे थे कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्त, ये दोस्तों ये सेम है जो सूख गई है, ये सेम है और इनका हम बीज निकालेंगे फिर इन्हीं को रोपने जाएंगे बीज को। दोस्तों सेम का बीज कुछ इस प्रकार का होता है, ये पकने के बाद सूख गई है दोस्तों, क्योंकि बीज जो सेम का बीज होता है वो पकने के बाद इसको तोड़ लिया जाता है और सूखा लिया जाता है। सूखने के बाद अब इसको हम इसके बीज को निकालेंगे, इसके जो खोल है इसके अंदर से बीज को निकालेंगे। कैसा निकलता है हम आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको छील रहे हैं अभी ऐसे। ये ऐसे बीज निकले हैं इसमें से और भी हम छील रहे हैं सारी है दोस्तों। तो हम इसको छील लेते हैं, आपको छील के दिखाते हैं किस प्रकार का। और बीज ये दोस्तों हमने इनको छील लिया है, इतने सारे बीज निकले हैं। अब इनको जाएंगे आपके खेत में लगाने के लिए। ऐसे होते हैं और इतने सारे छील लिए हैं, अब हम जाएंगे इनको खेत पे लगाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों हमारे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, ऐसे रास्ता है जाने के लिए, हम खेत के लिए ऐसे ही जाते हैं इसी रास्ता से। और ये हमारा घर के पास वाला खेत है और ये देखिए ऐसे ये टटिया, कुछ इस प्रकार की टटिया होती है दोस्तों। इसको खोल कर अंदर जाते हैं, खोल लिया, लगा रहे, इसको लगा दो दोस्तों ताकि आवारा पशु इसमें ना आ पाए। दोस्तों आ गए हम, तो ये देखिए दोस्तों ये ऐसे क्यारी बना रहे हैं इसकी और इसमें ही लगाएंगे हम बीज, बीज में सेम के बीज। जैसा आप देख पा रहे हो ऐसे बनना करना पड़ता है, तो हम कर रहे हैं अभी। यहाँ पर ऐसे काप देंगे इनको ऐसे करके कुछ दोस्तों। इस प्रकार की दूरी होती है, लगभग 3 फुट की दूरी पे दोस्तों लगा दिया जाता है। हम लोग सारा काम दोस्तों ऐसे मिलके करते हैं और ये हमारा काम है दोस्तों, हाथ बटाती हैं दोस्तों। इस दीवार की साइड लगाएंगे और मुझे क्यारी बनाना पड़ेगी, तो मैं क्यारी बना लेता हूँ दोस्तों जब तक। और दोस्तों इस क्यारी इसकी साइड इसलिए लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो सेम का पेड़ होता है तो दोस्तों बहुत बड़ी बेल करता है दोस्तों, तो उसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस बागड़ के सहारे हम लगाएंगे। दीवार से इसको सहारा मिल जाएगा और अच्छी अच्छी सेम की फली लगेगी। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के दोस्तों उसकी बेल कैसे होती है। दोस्तों ये पौधे हमने पहले लगाए थे, कुछ दिन पहले 10-5 दिन पहले लगाए थे और इसमें ये पौधे उग गए हैं। ऐसा होता है सेम का पौधा, अभी ये छोटा है और ये भी लगाया था तो ये भी उग गया है और अभी भी लगा रहे हैं हम। और आपको एक पौधा और दिखाते हैं प्यारे प्यारे से। और ये देखिए दोस्तों, ये है लौकी के पौधे हैं, ये अभी उग गए हैं, छोटे छोटे से हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी उगना स्टार्ट हुए हैं ये लौकी के पौधे हैं। और दोस्तों इनको लगाना बहुत जल्दी जल्दी आता है, मैं धीरे धीरे लगा पाती हूँ, तो कितनी जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमने इनमें लगा दिए हैं दोस्तों से, हमें इधर भी लगा दिए हैं। और दोस्तों जो खेत है वो हमारे कच्चे जो घर है, हमारे मिट्टी के घर उसके सामने ही है दोस्तों, जस्ट सामने ये खेत है। आप तो अभी सारी सेमें लग गई हैं, अभी हम हाथ धुलने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम कुएं पे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हाथ हमारे बिगड़ गए हैं दोस्तों मिट्टी के, ऐसे हो गए काले काले। तो अब दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हमने इस तटिया को बंद कर देते हैं, इसमें आवारा पशु वो जा ना पाए। दोस्तों चलते हैं, कुछ इस प्रकार का दोस्तों रास्ता है, इसको हमने पहले भी दिखाया दोस्तों आपको। गांव में ऐसे कच्चे कच्चे रास्ते होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आ गए हैं, ये कुआ है दोस्तों, इस प्रकार का कुआ होता है और कुएं के बगल में दोस्तों भरा है पानी, हम उसमें धोएंगे हाथ। दोस्तों कुएं में मोटर डली है तो ऐसे पानी आ रहा है, मोटर चला दी है तो पानी आ रहा है कुएं में। इसका जो पानी है दोस्तों इसको बराए बोलते हैं,
ये बराई के माध्यम से दोस्तों खेत में जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ये बरा। इस प्रकार का दोस्तों बरा होता है जाने के लिए, और ये खेत में जा रहा है दोस्तों। जो फसलों में फसल खड़ी है देखो मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा इसमें पानी जा रहा है खेत में लगने के लिए। और दोस्तों जब लाइट नहीं होती ना तो फिर पानी कुएं से खींच के निकालना पड़ता है, और लाइट होती है तो ऐसे मोटर चला लेते हैं। तो अभी हम दोस्तों हमने हाथ धो लिया दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, और हमने आपको दिखाया दोस्तों कि हमने सेम का बीज कैसे लगाया। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों रुको, अगर आपको दोस्तों यह ब्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अभी मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।